मैडम, कल रात जब यह हादसा हुआ तब घर में कौन कौन था? मैं अकेली थी। और आप कहाँ थे मिस्टर अरुण? जी इंस्पेक्टर, मैं अपने बिजनेस के एक मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। मैंने घर लौटकर देखा इंस्पेक्टर की लाश यहाँ पड़ी है, रूपा बेहोश पड़ी है। मैंने फौरन आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। एक बात बताइए मैडम, वो भूत जैसा कि आपने बताया जो कि आपकी जान का दुश्मन है, उसने इंस्पेक्टर का कत्ल क्यों किया? इन्होंने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए शायद भूत को गुस्सा गया और उसने आसानी से इनको मार डाला है ना? जी हाँ। जी नहीं, आप झूठ कह रही हैं। सरासर झूठ कह रही हैं आप। आप पर काबू रखिए इंस्पेक्टर। देखिए, इस तरह से मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं। मौका है वारदात पर जो होता है उससे पूछताछ करने का पुलिस पूरा पूरा अधिकार रखती है मिस्टर अरुण। मैं जैसे चाहूं वैसे पूछताछ कर सकता हूं। लेकिन ये पूछताछ आप किस बिना पर कर रहे हैं? इस कत्ल के बारे में जो कुछ भी पता है रूपा आपको एक एक शब्द बता चुकी है। ये तो कह रहे हैं कि कत्ल कोई भूत ने किया, तो क्या मैं ये मान लूं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? डू यू मीन टू से कि ये कत्ल रूपा ने किया? ये मैं नहीं, हालात कह रहे हैं। हालात? सिर्फ हाथ के बल पर आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते इंस्पेक्टर। कोई सबूत या कोई गवाह है आपके पास?
वो होता तो मैं इतना लंबा भाषण नहीं देता मिस्टर अरुण। मुझे आपकी पत्नी पर शक, क्योंकि कत्ल के वक्त इनके सिवा यहाँ पर और कोई नहीं था, और मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय ये मुझे मिसगाइड कर रही है, कह रही है कि कत्ल किसी भूत ने किया। और भूत था या इंसान ये पता करना आपका काम है इंस्पेक्टर। मेरी पत्नी पर शक करके कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए इंस्पेक्टर, आपको मालूम होना चाहिए पिछले कई दिनों से एक भयानक चेहरा वाला आदमी इन्हें तंग कर रहा है। मैंने खुद ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगर आपको इस बहस से फुर्सत मिले तो जाके रजिस्टर चेक कर लीजिए। जरूर चेक करूंगा, ये भी पता लगाऊंगा कि वो आदमी कौन है जो आपकी पत्नी को तंग कर रहा है। और अगर वाकई में कोई आदमी है अपने कंधों पर सितारे बढ़ाने की बड़ी जल्दी पड़ी है इसे। हे रूपा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी। फेरे लेते हुए पति पत्नी कुछ कसमें खाते हैं। उनमें से एक कसम यह भी होती है कि हर सुख में और हर दुख में दोनों में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि वो कसम मैं भूल जाऊं? ओ अरुण, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। Why don't you understand? रूपा, तुम मेरे बारे में सोच रही हो, ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन मुझे भी तो अपना फर्ज निभाने दो, वरना मैं पापी कहलाऊंगा। रूपा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। शादी के बाद से आज तक तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ निभाया है। तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने आप को ही भूल गया हूं। I've just forgotten myself। रूपा, मैं वाकई नहीं जानता कि तुम सिर्फ एक पत्नी हो, ये पत्नी के रूप में एक देवी। अरुण, ऐसा कहकर मेरे दिल का बोझ और मत बढ़ाओ। तुम, मैं देवी कहलाने के लायक नहीं हूं। अरुण, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन जिस मुसीबत में मैं आज फंसी हूं उसका कारण भी सिर्फ मैं ही हूं। तुम? मैं कुछ समझा नहीं रूपा। मैं जानती हूँ वो भयानक चेहरे वाला आदमी जो मुझे डरा रहा है वो कौन है। कौन है? विक्रम की आत्मा। विक्रम? कौन विक्रम? कॉलेज के खत्म कर दूं। मैं पैसे लेकर गई थी,
करना चाहती है। ये बात है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, नाराज तो हूँ, बिल्कुल नाराज हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really very sorry. It's all right. It's all right, पापा। तुम विक्रम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो विक्रम की आत्मा है या कोई और, इसका पता मैं बहुत जल्दी लगा लूंगा। मिस्टर अरुण, माना कि कल रात इंस्पेक्टर अंकुश आपकी पत्नी की हिफाजत के लिए आपके घर पर थे, मेरी समझ में नहीं आता कि वो इस केस को अकेले सॉल्व करने के चक्कर में क्यों थे। उन्हें पुलिस फोर्स की मदद लेनी चाहिए थी, आखिर वो साबित क्या करना चाहते थे? ये भला मैं क्या जानू इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर, मैं पहले ही अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान हूँ। आप परेशान ना हो, पुलिस है ना आपकी मदद के लिए। जो जो मरा वो भी तो एक पुलिस वाला था, क्या करेगी पुलिस? इंस्पेक्टर वो कातिल अगर एक पुलिस वाले को मार सकता है तो आप सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। मुजरिम चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, पुलिस की बस कीजिए इंस्पेक्टर, माफ कीजिए लेकिन बहुत देख ली मैंने पुलिस की बहादुर। अब पुलिस पे भरोसा करके मैं अपनी और अपनी पत्नी की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। अब जो कुछ भी करना है मैं खुद करूंगा। हवलदार, इसके घर पर नजर रखो और मुझे हर पल की खबर देते रहना। रूपा, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कम ऑन। तुम उसे नहीं जानते अरुण, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक आत्मा है। आत्मा है वो, एक जिंदा लाश। अरुण वो एक जिंदा लाश है। वो कोई भी हो रूपा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूपा, डोंट पैनिक, सुनो, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। कम ऑन, लीव मी, रूपा बी ब्रेव। क्यों मिस्टर विक्रम, बहुत चालाक समझते थे अपने आप को? लाइट्स ऑन। भागने की कोशिश बेकार मिस्टर विक्रम, इस बंगले को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। पहले तो मैं ये समझा कि मिसेज अरुण शायद पुलिस को धोखा दे रही है, पर जब मैंने आईने का दूसरा रुख देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और वो गड़बड़ क्या है ये जानने के लिए मैंने मिस्टर अरुण के साथ मिलकर ये प्लान किया जिसमें तुम फंस गए। मेरी पत्नी का बहुत मैच मिल गया तुमने। प्लीज
अच्छा हुआ इंस्पेक्टर कि रूपा ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना ये अगर वो सब ने पता नहीं चलता तो शायद तुम इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आते मिस्टर विक्रम, क्योंकि उस रात होटल में होने वाले हादसे का पता लगने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि तुम जिंदा हो। मैं जिंदा हूं। और जब तक जिंदा हूं मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। देखो देखो इसने मेरे चेहरे का क्या हाल बना डाला, मैं खुलेआम कहीं घूम भी नहीं सकता, इसे मुझे बर्बाद कर रहा है। तेरी यही सजा है कमीने, एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में तूने जहर बोलना चाहा। मुझे तुम्हारे कारनामों की लिस्ट मिल गई है मिस्टर विक्रम, तुमने कई लोगों को ब्लैकमेल किया है और न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, लेकिन इस बार तुम उल्टी चाल चल गए और मरने का नाटक करके मिसेस अरुण को डराते। हाँ, इसे बदला लेने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा, इसे डरा डरा कर मैं इसकी दिमागी हालत खराब कर डालना चाहता था ताकि मौका मिलते ही मैं इसे खत्म कर सकूं, लेकिन इंस्पेक्टर अंकुश की मौत ने सारा खेल ही बिगाड़ डाला। इंस्पेक्टर अंकुश ही नहीं बल्कि होटल के कमरे से जो लाश मिली वो भी तुम्हारा शिकार था। कौन था उस होटल का वेटर? रूपा ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक कर यह समझ लिया था कि मैं मर गया हूं, पर जब मुझे होश आया तो आईने में अपनी शक्ल देखकर मैं खुद ही डर गया। मैंने उसी वक्त रूपा से बदला लेने की प्लानिंग कर ली। मैंने होटल के एक वेटर को कमरे में बुलाया और उसे मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया और फिर अपने कपड़े उसे पहना कर चुपके से होटल से निकल गया। आपकी प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त है मिस्टर विक्रम, मगर बदले की भावना ने आपको कातिल बना दिया। एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। हॉलर ले जाओ इसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए मिस्टर, जो आपने एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए अपना पर्सनल मैटर कानून के सामने रख दिया। आपने ये कदम उठाकर ये साबित कर दिया कि जुर्म को खत्म करने के लिए सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं जनता का सपोर्ट भी चाहिए। ओके सी यू। ऐसा जज्बा है जो इंसान के दिल में अपने आप घर बना लेता है, इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब देखो तुमने अंकुश, अब अंकुश से तुमने एक पवित्र रिश्ता जोड़ना चाहा था और मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया, तुमने मुझसे शादी कर ली। रूपा देखो बुरा मत मानो, लेकिन अगर मैं नाराज हूं किसी बात पर तो वो इसलिए कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती तो वो विक्रम ना तो तुम्हें ब्लैकमेल करता और ना ही ये सब कुछ होता। मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। हाँ अब तक तो नाराज नहीं था,
लेकिन अब हो जाओ। क्या किया है यार, सुबह से मुंह लटका बैठी हो। एक भी अर्जुन प्लीज कम ऑन कम ऑन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कम ऑन।